हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। टुडेज वीडियो इज़ अ रेसिपी वीडियो और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 सुपर इजी टेस्टी एंड या आल्सो हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी के साथ। फर्स्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी इज स्वीट दलिया। दलिया हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। उसके लिए लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ घी, साथ ही ऐड किए हैं सम कैशियोस, आलमंड्स एंड रेसिन्स जो कि टोटली ऑप्शनल हैं। 1 कप ऑफ दलिया, इसे 3 से 4 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कप्स ऑफ वाटर। और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो इसका पानी पूरा सूख चुका होगा। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑफ जैगरी पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून इलायची पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ मिल्क। जितना भी दलिया आप पतला रखना चाहते हैं उतना मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और दलिया रेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है आलू सैंडविच, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए सबसे पहले लेंगे बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस, साथ ही डालेंगे उसमें कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, सॉल्ट, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद लेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस, एक ब्रेड स्लाइस पे लगाएंगे ग्रीन चटनी और दूसरे स्लाइस पे लगाएंगे टोमेटो केचप। उसके बाद स्प्रेड कर देंगे आलू मिक्सचर एंड 1 स्लाइस ऑफ चीज। अब इसे तवे के ऊपर बटर लगा के सेक लेंगे। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट रेसिपी, ग्रिल्ड सैंडविच। इसके लिए एक पैन में लेंगे थोड़ा सा बटर, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, कटा हुआ लहसुन, ग्रीन चिलीज, साथ ही ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, टोमेटोज। इसे थोड़ी देर रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे अपनी पसंद की सब्जियां। मैं डाल रही हूँ गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च, नमक और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मैश्ड पोटैटोज, पनीर, फिर डालेंगे इसमें चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। मिक्स कर लें अच्छे से और उसके बाद इसमें ऐड करें रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। तो मिक्सचर रेडी है। अब लगाएंगे इसको हम ब्रेड के ऊपर। तो ब्रेड पे मैं लगा रही हूँ सबसे पहले क्रीम चीज़, ये टोटली ऑप्शनल है। आप बटर भी लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर रख देंगे एक चीज़ स्लाइस। बटर लगा के ग्रिल्ड सैंडविच बनाने वाले पैन में या कि सैंडविच मेकर में, किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से इसको रोस्ट कर लें और आपका ग्रिल्ड सैंडविच रेडी है। चलिए बनाते हैं पोहा। पोहा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे पानी में डिप कर देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और इसे छन्नी में निकाल लेंगे। पोहा के लिए तड़का रेडी करने से पहले मैं पीनट्स को रोस्ट कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट के लिए बिना ऑयल के। इनको रोस्ट करने के बाद साइड निकाल के रख दें और उसी पैन में फिर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और साथ ही ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। आपके पास फ्रेश है तो प्लीज़ फ्रेश यूज़ करें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने सुखा के रखे हुए कड़ी पत्ता यूज़ किए हैं। साथ ही ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड्स, जीरा और साथ ही कटे हुए प्याज, अदरक कटी हुई, चिलीज़ कटी हुई, गाजर डाली है मैंने, शिमला मिर्च, ब्रोकली, मटर, अपनी पसंद की सब्जियाँ आप ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे, उसके बाद रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट और साथ ही ऐड कर देंगे पोहा और रोस्ट किए हुए पीनट्स। खाने से जस्ट पहले थोड़ा सा डालें नींबू का रस और इंजॉय करें।
लास्ट रेसिपी है उपमा। तो उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर रेडी करेंगे, जिससे कि हम दो तरह का उपमा बना सकते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हमने 2.5 कप सूजी ली है और मीडियम आंच पे मैं इसको 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करूंगी लाइट गोल्डन होने तक। सूजी रोस्ट कर लेने के बाद उसे निकाल के हम साइड में रख देंगे। उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, साथ ही 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी डालेंगे उड़द की दाल, साथ ही चना की दाल, इसके रोस्ट करेंगे। कैशियोज डाल सकते हैं आप, ऑप्शनल है, लेकिन ये कड़ी पत्ता और कटा हुआ अदरक और ग्रीन चिलीज। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसी में हम डाल देंगे सूजी जो हमने पहले से रोस्ट करके रखी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे इसमें सॉल्ट। और इस मिक्सचर के अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद इसे डाल लें किसी जिप लॉक बैग में या कि किसी ग्लास जार में, और 1 मंथ तक आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। सिंपल वे में बनाने के लिए पैन में लेंगे हम 3 कप पानी के। उसे बॉयल हो जाने के बाद 1 कप हम उपमा मिक्सचर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे इसको और इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब जब इसका पानी अच्छे से सूख जाए तो आपका उपमा रेडी है। अब इसी मिक्सचर के साथ अगर आप वेजिटेबल उपमा बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद कटा हुआ गार्लिक, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, टेस्ट के अकॉर्डिंगली या पसंद के अकॉर्डिंगली आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने पीस भी ऐड किए हैं। सॉल्ट ऐड कर दें, हल्दी पाउडर, और साथ ही डाल दें वो मिक्सचर। चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दें, स्पाइसी रहेगा तो बहुत मज़ा आता है। और साथ ही ऐड कर देंगे वही 3 कप पानी के और इसको ड्राई होने तक पकने देंगे। बाद में इसमें डालेंगे हम नींबू का रस एंड एंजॉय इट। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।